बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंशिया नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही पैमाने पर तस्लीम शुदा नाम ना होने की वजह से इस नाम के बारे में ज़्यादातर मालूमात किसी तस्दीकी ज़राए से साबित नहीं है। अलबत्त इसकी मुमकिन ज़ुबान है अरबी और इसका मुमकिन मज़हब है इस्लाम, जबकि मुमकिन तौर पर इस नाम को ज़्यादातर लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंशिया के गैर तस्दीकी इंग्लिश मीनिंग है ओरिजिनेशन वुमेन, उर्दू मायनी है ख़वातीन और इब्तदा। इंशिया नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है बांग्लादेश, नंबर दो पर है इंडिया और नंबर तीन पर है पाकिस्तान। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है इतवार और मंगल। नंबर छः को इस नाम के अफराद के लिए मुनासिब समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शामिल है कॉपर यानी तांबा। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबज। जबकि पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये लोगों की मुखालफत के बावजूद हालात का मुकाबला करना पसंद करते हैं और अपनी बात पर हमेशा कायम रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।